पाठ तीन, वर्णमाला, अल्फाबेट। बच्चों, अब हम मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जानेंगे। मा, मा की ध्वनि है म जमा आ। ओह की ध्वनि है ओ जमा ह जमा अ। वर्ण, लेटर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि आवाज निकलती है। मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, इ, ओ, क, ख आदि। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये निम्नलिखित हैं: अ आ इ ई, उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। अ अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर में आते हैं और न व्यंजन में। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। ये निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, थ, ड, ढ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ड और ढ, ये दोनों ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। इनकी गिनती अब स्वतंत्र व्यंजनों में होने लगी है। आपने देखा कि सभी वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इनमें स्वर अ नहीं है, इसलिए इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उच्चारण के लिए इन्हें का, खा, ता, दा, पा, फल रूप में लिखा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट।